दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है हाँ उनके दिलों। मैडम जी, हम चंदा लेने आए हैं। हाँ बोलो। 1000 रुपए दे दो। 1000 रुपए? 1000 रुपए तो मेरे पास नहीं है। चलो 500 दे दो। 500? मेरे पास तो 500 भी नहीं है। 500 भी नहीं है? चलो फिर 200 दे दो। अब क्या बताऊं, ऐसे महंगाई के टाइम में 200 रुपए भी होते हैं क्या किसी गृहिणी के पास? चलो फिर मैडम 85 रुपए दे दो। मेरे पास तो 50 भी नहीं है। चलो नौकर ऐसे करो, 10 रुपए दे दो। के बताऊं ईब, 10 रुपए का छुट्टा तो कोनी। 10 रुपए भी नहीं है? राड़ा यहाँ क्या कर रही हो आप? हमारे साथ चलो, 4 हो जाएंगे, भीख मांगेंगे और गुजारा करेंगे। शर्म नहीं आती? इतने हट्टे कट्टे हो के भीख मांग रहे हो और मुझे भी भीख मांगने के लिए कह रहे हो। इसमें क्या बुराई है मैडम, हम भी तो मांग ही रहे हैं, हमारे कोई इज्जत नहीं है? अरे कुछ मेहनत का काम कर लो और जो मेहनत के 2 पैसे में जो रोटी मिलती है ना, उसके अलग ही न्यारे हो गए, समझे? अच्छा मैडम आप ही बताओ हम क्या करें। एक काम करो। हाँ? मेरे घर पे ना बहुत सारा काम है और मैं काम करने के लिए अकेली हूँ, तो तुम मेरे घर का काम कर दिया करो। आप कितने दोगे? मैं तुम्हें महीने का 2000 रुपए दूंगी पूरे। 2000 रुपए दोगे? पक्की बात है? हाँ। ये संभालो, ये भी संभालो, ठीक है। साफा भी ले लो, ठीक है मैडम जी। सोना भी दे दो। मैं तो बाप के पास ही रहूंगा, ठीक है। पर काम क्या करना होगा? वो सामने झाड़ू पड़ी है, उसे उठाओ और पूरे घर की सफाई कर दो फटाफट। दोबारा दो। मैडम जी, झाड़ू मारने के लिए नियम, पढ़े लिखे हैं, ये तो बेरोजगारी के कारण हम भीख मांग रहे हैं। 2000 रुपए दे दो और झाड़ू मार लो, मम से नहीं होता। चलो आपा तो वैसे ही कमा खाएंगे, पागल आई। शर्म भीख मांगने में आती है, काम करने में नहीं। अरे मैडम पता मैं कितना पढ़ा हूँ, LLB कर रखी है, पर फिर भी बेरोजगार हूँ। LLB? शक्ल देखी अपनी, जा कहीं और से भीख मांग ले जाके। इन लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा, जितने भी पढ़े लिखे हैं ना आजकल भीख मांगने की योजना बना रहे हैं, नौकरी तो मिलती नहीं है मैडम।